हेलो गाइस, फैब्रिज पर आज बात करने वाले हैं एलॉय स्टील्स के बारे में। इन एलॉय स्टील्स में आज हम बात करते हैं गाइस 16MO3 स्टील्स के बारे में और जानते हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टीज को और एप्लीकेशन को। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। स्टील किसी भी इंडस्ट्रीज में उपयोग में लाया जाने वाला वर्सेटाइल यानी कि बहुमुखी या फिर उपयोगी मटेरियल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज में स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी आती है, इसलिए स्टील्स को हर एक इंडस्ट्रीज में उपयोगी माना जाता है। इसी तरीके से गाइस आज हम बात करने वाले हैं 16MO3 यानी कि एलॉय स्टील के बारे में, जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि बॉयलर्स में, प्रेशर वेसल्स में, हीट एक्सचेंजर्स में। इसी तरीके से 16MO3 स्टील्स की कुछ विशेष उपयोगी गुणों के कारण और विशेषताओं के कारण ही इसे बहुत ज़्यादा उपयोगी बनाती है। बात करते हैं गाइस 16MO3 स्टील्स के बारे में। ये हाई क्वालिटी क्रोमियम मॉलिब्डेनम एलॉय स्टील होते हैं, जो कि प्रेशर वेसल्स में एलिवेटेड टेम्परेचर पर कंडीशंस पर उपयोग किए जाते हैं। इन एलॉय स्टील्स की बहुत ही शानदार कोरोजन रेजिस्टेंस और हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज होती है, साथ ही साथ इसमें वेल्डेबिलिटी और फॉर्मेबिलिटी की भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इस एलॉय स्टील्स में 15% क्रोमियम और 8% मॉलिब्डेनम होता है, जो कि इस स्टील्स पर हाई टेम्परेचर पर भी स्ट्रेंथ बनाए रखती है। साथ ही हाई टेम्परेचर पर एक ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन होता है, जो इस एलॉय स्टील्स को फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करती है। इस टाइप के एलॉय स्टील्स को 600 डिग्री सेल्सियस तक भी पिक स्ट्रेस पर उपयोग में लाए जा सकते हैं, जहां पर पिक स्ट्रेस 220 मेगापास्कल्स होते हैं। साथ ही गैस टरबाइंस में, पावर प्लांट्स में, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में, रिफाइनरीज में इस तरीके के एलॉय स्टील्स को उपयोग में लाए जा सकते हैं। 16MO3 टाइप के एलॉय स्टील्स पर आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज मिलती है, जैसे कि वार्म टॉलरेंस, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, टफनेस। ये सारी प्रॉपर्टीज लो टेम्परेचर पर भी इस टाइप की स्टील्स पर देखने को मिलती है। साथ ही 16MO3 स्टील्स पर एक्सलेंट कोरोजन प्रॉपर्टीज मिलती है, जो इनके केमिकल्स जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से एम्बिएंट टेम्परेचर पर भी इनको प्रोटेक्ट करके रखती है। बात करते हैं गाइस 16MO3 टाइप के एलॉय स्टील्स की प्रॉपर्टीज की, जहाँ पर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस दैट मीन 600 डिग्री सेल्सियस पर भी इस टाइप की स्टील्स को उपयोग में लाया जा सकता है। साथ ही गाइस इस स्टील्स पर कोरोजन रेजिस्टेंस, गुड वेल्डेबिलिटी और फॉर्मेबिलिटी, जिसकी वजह से इस स्टील्स को आसानी से शेप में लाया जा सकता है और इस तरीके से इस स्टील्स को इक्विपमेंट बनाने के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। इस टाइप के अलॉय स्टील्स को हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में उपयोग में लाए जा सकते हैं। साथ ही ये वजन में हल्के होते हैं और आसानी से ट्रांसपोर्ट और हैंडल किए जा सकते हैं। बात करते हैं 16MO3 टाइप के स्टील्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिनमें हाई स्ट्रेंथ और टफनेस है। इस टाइप के अलॉय स्टील्स का मिनिमम मिलिंग स्ट्रेंथ 275 मेगापास्कल और मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 400 मेगापास्कल का होता है। बात करते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस की, इसमें क्रोमियम का कंटेंट 0.5% होता है, जिसकी वजह से ये ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर केमिकल्स होते हैं और हार्श इन्वायरमेंट में आसानी से उपयोग में लाए जा सकते हैं। साथ ही 16MO3 टाइप के एलॉय स्टील्स 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी आसानी से उपयोग में लाए जा सकते हैं। 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी ये स्टील्स अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते हैं, यानी कि इसमें स्ट्रेंथ बनी रहती है और ये ब्रिटल भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 16MO3 टाइप के एलॉय स्टील्स के एप्लीकेशंस की। इस तरीके के एलॉय स्टील्स बॉयलर्स और सर्विसेज बनाने के लिए, हीट एक्सचेंजर्स बनाने में, जहां तक हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, रैपिड टेम्परेचर चेंजेस हो, तब भी ये उपयोग में लाए जा सकते हैं। साथ ही पावर प्लांट्स में या फिर पावर जनरेशन इक्विपमेंट बनाने के लिए आसानी से 16MO3 टाइप के एलॉय स्टील्स को उपयोग में लाया जा सकता है। ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशंस एलॉय स्टील्स के बारे में, और अधिक जानकारी के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल, अवर वीडियोज़ फैब्रिज।